West Indies have won the first day of the second test. Yes, you heard it right. It's the West Indies that have won the first day of the second test. Hashtag Aakashwani. ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था ना कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है. अगर कोई और टीम होती तो हम क्या कहते, हम कहते हैं इवन स्टीवंस है, 7 विकेट खोई हैं, यू हैवंट रियली बैटेड इंडिया आउट ऑफ द गेम. अगर आप टॉस जीत जाए, बैटिंग कर लें, गुड बैटिंग कंडीशंस, तो फिर पहले दिन 3-4 से ज्यादा विकेट मत गवाइए. इंडिया को 5-6 सेशंस तक ग्राउंड पे रखिए, देन यू हैव अ रियलिस्टिक चांस ऑफ डिफीटिंग इंडिया इन इंडिया. लेकिन वेस्ट इंडीज 94 से इंडिया को इंडिया में नहीं हरा पाया है. राजकोट में भी 3 ही दिन में मैच एकदम बिल्कुल धराशायी हो गई थी वेस्ट इंडीज की टीम. तो फिर कंसिडरिंग ऑल दैट, इट्स बीन अ ग्रेट कमबैक ऑफ सॉर्ट्स. टॉस जीता, बैटिंग की, रॉस्टन चेस नियरिंग अ सेंचुरी, और एक सेंचुरी पहले इंडिया के खिलाफ जड़ चुके हैं जमैका में, सेकंड के बहुत करीब है. जेसन होल्डर द बैट्समैन, नॉट द बॉलर. एक तो कप्तानी अच्छी करेंगे, ही इज बैक इन द साइड, बट ऑल्सो विद द बैट ही इज क्वाइट यूजफुल. और उन्होंने वो भी बता दिया कि किस तरह से ही कैन एक्चुअली कंटिन्यू टू पनिश द बोलर्स. वर्ड ऑन इंडिया बोलिंग ऑल्सो की देन विल कम टू द सिलेक्शन. इंडिया की बोलिंग में अब चाहे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड हो, इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज हो, ये जो पूछ है ना, ये बड़े सवाल पूछती है. वहाँ सैम करन ने बहुत तंग किया, पूरा इंग्लैंड के दौरे पे वो रन बनाते रहे. वोक्स ने रन बनाया, स्टोक्स ने रन बनाया, स्टोक्स इज नॉट टेल बट लोअर ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे रॉस्टन चेज, चाहे वो राजकोट हो या फिर हो हैदराबाद, यहाँ तो जेसन होल्डर ने भी रन बना दिए. सो यू नो दैट ये जो टेल को आउट करना ना, इट्स एन आर्ट दैट वी हैवंट मास्टर्ड येट. नाउ लेट्स गेट टू द टीम सेलेक्शन बेटर लिटल. यार इस दो मैचेस की सीरीज से हमें क्या मिलना था? हमें एक दो खिलाड़ियों के बारे में जानना था, उनको पहचानना था. पृथ्वी शॉ को हमने जान लिया, पहचान लिया राजकोट में, बट देन व्हाट अबाउट मयंक अग्रवाल? आर वी नॉट टेकिंग हिम टू ऑस्ट्रेलिया? अगर हम ले जा रहे हैं तो फिर क्या हम उनको बतौर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ले जाना चाहते हैं या फिर टेस्ट क्रिकेटर? एक मौका तो मिल जाता कम से कम, अगर इफ़ ही वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी. मोहम्मद सिराज, व्हाट अबाउट हिम? क्योंकि अगर पैकिंग ऑर्डर की बात करें तो लगता है कि शार्दुल ठाकुर वॉज अहेड ऑफ हिम, उनसे पहले सेलेक्ट हुए थे, तो उनको मौका पहले मिलना चाहिए. लेकिन अगर यही नियम है तो फिर करुण नायर को तो बिहारी से पहले मौका मिलना चाहिए था ना. इफ दैट डिडंट हैपन, इन दैट केस देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिराज प्लेइंग अहेड ऑफ शार्दुल ठाकुर, सो दैट्स अनदर स्मॉल बिट. हनुमा विहारी कुड हैव प्लेड, मे बी पांचवें बॉलर के रूप में भी खेल सकते थे और छठे बैट्समैन के रूप में भी खेल सकते थे, बट ऑल दैट हैजंट हैपन्ड. सो थॉट्स, फूड फॉर थॉट, थॉट्स टू जस्ट पॉन्डर ओवर कि यार कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट शार्दुल ठाकुर अ लिटिल बिट, क्योंकि 18 सितंबर को मैच था जिसमें वो इंजर्ड हुए हांगकॉन्ग के खिलाफ एशिया कप में, देन ही वॉज रूल्ड आउट फॉर द एंटायर एशिया कप, दैट लास्टेड ओनली 10 डेज. 28 सितंबर को उसका फाइनल था. अब उस फाइनल वाले दिन ही वॉज प्लेइंग फॉर मुंबई इन द विजय हजारे ट्रॉफी. मतलब अगर इंजरी इतनी ग्रेव थी दैट रूल्ड हिम आउट ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट, देन हाउ वाज ही फिट इनफ टू प्ले दैट विजय हजारे गेम, देन ही गॉट पिक्ड फॉर इंडिया, व्हाट वर द प्रोटोकॉल्स फॉलोड? क्योंकि यहाँ पे हुआ ये है, ये इंजरी सिर्फ 10वीं बॉल पे आ गई, 10 बॉल्स इज ऑल ही हैज बोल्ड ऑन हिज टेस्ट डेब्यू, एंड ही इज बीन रूल्ड आउट फॉर एन इनिंग्स, हो सकता है परहैप्स फॉर अ मैच. सो इज देयर समथिंग अमिस? सो दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई थिंक नीड्स रियली लुकिंग इनटू, कि क्या कर रहे हैं हम उनके साथ. बट देन व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन डे टू? जल्दी आउट करो यार, 3 विकेट्स फटाफट चटकाओ. कुलदीप, अश्विन, जाडेजा, नीड सम विकेट्स फ्रॉम यू. उमेश यादव हैज बीन इम्प्रेसिव विद द ओल्ड बॉल. कुलदीप रीस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे. अश्विन जाडेजा से थोड़ी सी और मुझे उम्मीद है, एंड देन पाइल ऑन द रन्स, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम डे टू.